राज्यों में और यूटीज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कश्मीर अब बन गया। ये कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है रईस। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टोबैको फ्री यूथ कैंपेन है उसमें कश्मीर जो है अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में जो है वो शामिल हो गया है। और लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जा रही है और तंबाकू के जो मुजर असरात हैं उनसे लोगों को वाकिफ कराया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कॉलेजेस और स्कूल्स में भी सेमिनार किए जा रहे हैं ताकि जो यहाँ के युवा है वो समझे कि तंबाकू के कितने मुजर असरात हैं, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और किस तरह से हेल्थ को डैमेज करता है। इस अभियान की शुरुआत जो है वो 31 मई को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने की थी और यहाँ पे भी हम लगातार देख रहे हैं कि जो स्टेट नोडल ऑफिसर है मेयर मुश्ताक, उन्होंने भी कहा है कि लगातार जो है उनका ये कैंपेन जो है वो जारी है और इसमें जो है उनको काफी सक्सेस मिल रही है और लोग जो है वो इससे अवेयर हो रहे हैं। बता दें कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हर हफ्ते जो है जब से कैंपेन शुरू हुआ है एक रिव्यू करते हैं और उसके बाद वो परफॉर्मेंस बताते हैं कि किस स्टेट की क्या परफॉर्मेंस है और उसकी उसके आधार पे ही जो है ये डाटा जो है वो साझा किया जाता है। तो जिस तरह से ये बताया गया 31 मई से शुरू हुआ ये अभियान कब तक चला और 31 मई क्या 2022 की बात की जा रही है टोबैको फ्री यूथ अभियान को लेकर, इसके हवाले से क्या कुछ जानकारी है? जब ये अभियान इतने अच्छे तरीके से चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट भी जमीन पर दिखता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। रईस जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कूल्स हो कॉलेजेस हो तमाम जो है वो सेमिनार्स किए जा रहे हैं इसके रिलेटेड और इससे जो है वो काफ़ी फायदा हो भी रहा है और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से वो जो है वो घर वालों को भी समझा सकते हैं, खुद भी जो इस टबैको से दूर कैसे रह सकते हैं। तो इससे यकीन हमें एक बड़ा फायदा होगा। तो यही वजह है कि लगातार ये अभियान जो है वो अभी चलेगा और जिस मंशा के जिस एम के साथ इसको लॉन्च किया गया था तो कहीं ना कहीं वो मकसद हासिल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से युवा इसको यहाँ पे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से अवेयरनेस यहाँ पे जो है लोगों में आ रही है तो उससे जो है लोगों को राहत मिली है। और जो यहाँ पे खासकर पेरेंट्स है ऐसी शिकायत थी कि जो युवा है उनमें ज्यादा जो तंबाकू नोशी है वो पाई जा रही थी, टबैको का ज्यादा इस्तेमाल पाया जा रहा है। तो अब इस अवेयरनेस के बाद जो है वो काफी गिरावट आई है तो ये एक राहत की बात है और ये कैंपेन जो है वो अभी इसी तरह जारी रहेगा और कोशिश होगी कि पूरी तरह से कश्मीर को जो है वो टबैको मुक्त बनाया जाए। जी, टबैको फ्री यूथ कैंपेन में पहला पोजीशन कहीं ना कहीं कश्मीर पाते हुए दिखाई दे रहा है जो कि खुशी की बात है। यानी किसी तरह की अगर कोशिश या अभियान की शुरुआत होती है तो ये माना जा सकता है कि उसमें सरफहरिस्त अव्वल नंबर पर कश्मीर अपना पार्टिसिपेशन देता है जो कि खुशी की बात है। क्या नोडल अफसर की तरफ से, मेरा सवाल ये था रईस की, नोडल अफसर की तरफ से बताया गया है कि क्या 31 मई से जिस अभियान की शुरुआत हुई वो 31 मई 2022 की बात कर रहे हैं या फिर 2023 की बात कर रहे हैं और कितने महीने में इस अभियान को उन्होंने देखा जिसके बाद ये तय पाया कि कश्मीर इसमें फर्स्ट या पहले नंबर पर है? इस हवाले से कुछ जानकारी नोडल ऑफिसर ने दी है रईस? जी हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 31 मई को जो है इसको लॉन्च किया गया था और अभी ये चलेगा क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे थे कि लगातार यहाँ पे ऐसी शिकायतें थी कि युवा जो है वो ज्यादा टबैको में जो है वो इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, टबैको का ज्यादा यहाँ पे जो है वो यूज हो रहा है। तो यही वजह है कि लगातार अवेयरनेस फैलाने के लिए जैसे कि ड्रग अवेयरनेस भी यहाँ पे फैलाई जा रही थी लेकिन जो ये कैंपेन है काफी सक्सेसफुल नजर होता हुआ दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी ये चलेगा। और साथ ही साथ जो स्टेट नोडल ऑफिसर है मेयर मुश्ताक, उन्होंने कहा है कि इसमें उनको सक्सेस मिल रही है, वो घर घर जा रहे हैं, वो दूर दराज उन फार फ्लंग एरियाज में भी जा रहे हैं जहां पे अवेयरनेस की कमी है तो कश्मीर को वो पूरा कवर कर रहे हैं जो भी चाहे वो अर्बन या रूरल एरियाज हो। बात ये अवेयरनेस की है, अभियान की है। जब अभियान इतने अच्छे तरीके से चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में भविष्य में देखने को जमीन पर जरूर मिलेगा।